हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का वीडियो मेरा है जगत दीदी के लिए। तो आप लोग टाइटल और थंबनेल से समझ ही गए होंगे, मुझे इनसे कोई दिक्कत नहीं है। आप सबको बताएं कि मैं बहुत ही कम वीडियोस इन पे लाती हूँ। हालांकि मैं इन लोगों के ऊपर 2 से 4 वीडियोस ही लाई हूँ, वो भी 2 से 4 वीडियोस में से एक वीडियो है जिसमें थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट्स मैंने इनके दिखाए हैं, बाकी तो सारा पॉजिटिव ही था। तो मैं इनको कहना चाहती हूँ, जो ये लाइव लाइव कर रहे हैं आजकल, बहुत ज़्यादा लाइव कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं और इनके कॉम्पिटिटर्स भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग करते रहते हैं लाइव आके। पहले ये रायता फैलाते हैं, फिर उसके बाद लाइव आके उसको समेटने की कोशिश करते हैं, लोगों का दिमाग डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं और अपना घमंड दिखाते हैं। बेसिकली इनको सिर्फ घमंड दिखाना है, चाहे वीडियो हो, चाहे लाइव हो, चाहे कुछ भी हो। अगर इनके औकात को इनको दिखा दे तो इनको मतलब दिक्कत ही आ जाती है उस समय। तो आज मेरा वीडियो ना बहुत ज़्यादा कड़वा लग सकता है, हो सकता है इनको भी चुभ जाए, लेकिन मैं आज सच बताऊं तो मैं बोलना नहीं चाहती इनके लिए। मैं सच्ची में कुछ नहीं बोलना चाहती, क्योंकि एक होता है ना, इंसान को हम देख रहे हैं, उसको टाइम दे रहे हैं और अपना पता लग रहा है कि भैया सामने वाला कैसा है, उसके बाद भी उसको देखे जा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं इनके साथ, बहुत सारे व्यूअर्स की हैं, मेरी नहीं है, बहुत सारे लोगों की हैं। तो इनकी कुछ चीज़ें, कुछ हरकतें मुझे बड़ी गंदी सी लगती हैं। तो उनमें से एक चीज़ है ये जो बार बार घमंड वाली आवाज़ में बात करती हैं, घमंड दिखा देती हैं एकदम। तो पहले तो घमंड दिखाती हैं, उसके बाद एक्सेप्ट नहीं करती हैं कि हाँ मैं घमंडी हूँ। ठीक है, इनके भैया जी आए इनके साथ में, तो भैया जी ने एक्सेप्ट किया कि हाँ देखो, जो बंदा बुटीक चला रहा है, जो बंदा इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर है, इंस्टाग्राम पे भी वायरल है, यूट्यूब पे भी वायरल है, इतना ज़्यादा वो फेमस है, तो वो इंसान क्यों ना घमंड दिखाए। एक औरत जब इतना आगे बढ़ गई है तो क्यों उसमें घमंड नहीं आएगा। तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि बिना घमंड के जो लोग आगे बढ़ते हैं वो लोग नहीं होते, वो इंसान नहीं होते? उनमें क्या रोबोट वाली बैटरी लगी होती है? नहीं, आप तो पता नहीं क्या ही बोल रहे हो कि मतलब घमंड ना दिखाए, घमंड दिखाना ज़रूरी है? जिनने कौन सी किताब में पढ़ के आए थे कि अगर कोई इतना सक्सेसफुल हो रहा है तो उसके पीछे घमंड उसको दिखाना ही दिखाना है? और ये भी बताओ ना कि किस लिए वो इतना फेमस हो रहा है, किस लिए? एक ऐसे इंसान के लिए फेमस हुआ वो इंसान जो आज की डेट में वो दुनिया में ही नहीं है, उस इंसान की वजह से ये फेमस हुई है। इनके अंदर ऐसा कोई टैलेंट नहीं है। आप क्या दिखा रहे हो, क्या दिखा रहे हो? आप सारा दिन बैठ के बेड पे ये दिखा लो, साड़ी दिखा लो और इधर उधर का दिखा लो, गाइस बारिश हो रही है, गाइस कचरे वाली गाड़ी जा रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सब दिखाने वाली चीज़ें होती हैं। ये सबको आप फेमस होना बोलते हो? इसको फेमस ऐसे फेमस होते हैं? मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ, भैया जी ने बहुत सारी कहानी सुनाई है, इन्होंने बुल्ला रिएक्शन वाले दाल रोटी चला रहे हैं अपनी। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगी, जब दाल रोटी रिएक्शन वाले चला रहे हैं तो आप भी चैनल खोल लो, आपके घर की दाल रोटी कैसे चल रही है वो भी बता दो थोड़ा सा। अगर हम ही रिएक्शन वाले या नॉर्मल व्यूवर्स या ऑडियंस ना देखें ना, तो आपके घर के पतीले खाली हो जाएंगे, आपके घर में दाल रोटी ना मिलने की। आप लोग ये मत भूलो, आप हमारी वजह से ही हो, तो इसलिए इतना घमंड अच्छा नहीं है कि ऊपर मुँह करके थूकना चालू कर दिया तुम लोगों ने। हो क्या तुम? मेरे को तो यही नहीं पल्ले पड़ा आज तक कि तुम हो क्या, ये लोग है क्या गाइस? आप लोग बताओ ज़रा कमेंट में। अब लोग बोलेंगे कि अरे आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो देखो गाइस, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन ये कोई बात नहीं होती है कि रिएक्शन वालों की दाल रोटी हमारे नाम से चल रही है। अबे तुम्हारा नाम होना भी तो चाहिए नाम उसका बिल, तुम अपने नाम के इतने झंडे बिना वजह गाड़े चले जा रहे हो। एक इंसान चला गया दुनिया छोड़ के, हम उसकी वजह से तुम्हारे साथ जुड़े थे, हम उसे देखते थे या उनकी स्टोरी में इंटरेस्ट रखते थे कि वो इंसान के साथ क्या हुआ जो आपने रायता फैलाया बेहोश टॉक पे जाके, है ना? तो उस वजह से हम आपको देखते थे कि भैया ये इंसान ऐसा बोल रहा है कि एक इंसान अपने घर गया और घर जाने के बाद उसका कुछ आज तक इनको पता नहीं चला कि भाई मेरे पति के साथ हुआ क्या। हम तो वो चीज़ें देख के आपसे अटैच थे, और आज एक टाइम था आप ही बोलने वाली थी कि भैया मैं एक इंसान की याद में इतनी पागल हूँ कि भैया मैं आगे कोई ज़िंदगी में अपना कोई स्टेप नहीं लूँगी, और आज आप हमें ही बोल रही हैं, हमारे सामने ही ये बात है, आपने कमिटमेंट की हुई है और आज आप यही बात कह रही हैं कि
मेरे होने वाले हस्बैंड की वजह से लोग जल रहे हैं मुझसे। क्या है ऐसा, मुझे तो अभी तक नहीं पता चला कि उस इंसान में ऐसा है क्या। वो इंसान आपको पता है क्या, आपको गारंटी है आप पुरुषों की, हाँ वो आपके साथ पैसे के लिए फेम के लिए नहीं जुड़ा। अगर इतना दाल रोटी आप लोग दूसरों को दे सकते हो तो फिर अपने ससुराल वालों को भी बोलो ना कि तुम्हें भी दे दूंगी। क्यों फिर वो चैनल खोल के बैठ गए, इतने बड़े बिजनेसमैन है, 2 दिन के अंदर ही चैनल खोल के बैठ गए। 2 दिन के अंदर सबर नहीं हुआ शादी तक का भी, इतनी जल्दी हो गई बिजनेसमैन को कि भैया वो वेला ही बैठा था बेरोजगार बंदा, फटाफट मैडम आई तो मैडम के नाम पे चैनल अपना खोल लिया और अपना मैडम के साथ वीडियोज डाल दिए और वायरल हो गए। मतलब दाल रोटी तो मैडम आप अपने घर की चला रही हैं, आपको देखने की वजह से आपको सिर्फ लोगों ने इसलिए देखना शुरू किया क्योंकि आप बेहोश टॉक पे एक स्टोरी सुनाकर आई हैं और उस स्टोरी से काफ़ी लोग कनेक्टेड हुए हैं और वो कनेक्शन कहीं ना कहीं हम लोगों का आपसे बन गया। अब आपके साथ बना तो जब आपके भैया जी आपकी भाभी जी को लेकर आए तो उस समय हमने उनको भी देखना शुरू किया और देखते 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 आज ये समय आ गया कि आप ही हमारे ऊपर घमंड दिखाने बैठ गई हैं और आपके भैया जी कह रहे हैं कि जो बंदी बुटीक खोल के बैठी है और यूट्यूब पे वायरल है, इंस्टा पे वायरल है, तो वो बंदी घमंड नहीं करेगी क्या? और जो बंदी घमंड कर रही है वो बंदी बोलती नहीं है कि मैं घमंडी हूँ। अरे आपके सगे भाई सगे भैया जी बोल रहे हैं कि आप घमंडी हो, एटलीस्ट उनकी बात पे तो भरोसा कर लो, बार वाली जनता पे नहीं करना मत करो कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने परिवार के लोगों पे तो कर लो। घमंड हो आपके अंदर, घमंड भरा हुआ है पूरा, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं कहूँगी कि बिना वजह के यार, बिना वजह के ये मैडम हर किसी को गंदा बोले जा रही है, हर किसी के कमेंट सेक्शन में लड़ने भिड़ने जा रही है कि गलत कमेंट होगा, किसी ने लाइक कर दिया तो भैया मैं तोप चला दूंगी, ये कर दूंगी वो कर दूंगी। तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि अगर आपको इतनी तकलीफ है तो आप अपनी अच्छी इमेज बनाओ ना, क्यों आ रहे हैं आपके खिलाफ हमें गलत कमेंट क्यों आ रहे हैं। और अभी एक चीज़ और, सरिता जी ने बोला अपने वीडियो में कि मेरे पास एक ट्रिक है कि मतलब नेगेटिव कमेंट नहीं आते हैं, तो वो चीज़ मुझे पता है कि क्या ट्रिक है, लेकिन अगर मैं उनके ऊपर वीडियो बनाऊंगी तो मैं बिल्कुल उस वीडियो के अंदर कवर अप करूंगी, लेकिन इनका भी पता है मुझे कि क्यों नहीं इनके पास कोई कमेंट ऐसा आता, ठीक है। तो ये जो जितने दूध के धुले बनते हैं ना उतने नहीं बनना चाहिए, और हम लोगों के चैनल पे कोई ट्रिक हमने यूज़ नहीं की हुई। हमारे लिए तो भैया जो गंदा है उसको बोलो, गंदा आके दबा के बोलो, जितना हो सके उतना बोलो, उसको उसकी असलियत दिखाओ। रिएक्शन चैनल होता ही इसीलिए है कि अगर कोई सामने वाला गलत है तो उसको गलत बोलने का हिम्मत रखते हैं हम लोग, ठीक है। और हमारे चैनल पे ऐसी चीज़ें होती है कि भैया जो जिसने आके बोला वो बोलो, बस जहाँ चीज़ें मर्यादा से बाहर लिमिट से बाहर जाती हैं वहाँ हम चीज़ों को रोकने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज़ कोई सही बात बोल रहा है तो हम उसे क्यों रोकेंगे। और आप बोलती हैं मैं लीगल जाऊँगी, मैं नोटिस दे दूँगी, मैं ये कर दूँगी, मैं वो कर दूँगी, आपकी खिल्ली आपकी कहानी क्या क्या आपके लिए नहीं बोल दिया गया सोशल मीडिया पे। आप उनका कुछ नहीं उखाड़ पाई तो आप हमारा क्या ही उखाड़ लोगी। शायद इसी वजह से आज आपकी ट्रॉलिंग ज़्यादा हो रही है क्योंकि आपने ऊपर मुँह करके थूक लिया और वो थूक वापस आपके ऊपर ही आके गिर गई है, तो मैडम को ये बात पता नहीं चली है शायद। तो चलिए गाइस इस वीडियो का करती हूँ एंड। बाकी मुझे यही बुरा लगा कि यार दाल रोटी चल रही है रिएक्शन वालों की, मतलब दाल रोटी ये चलाएंगी और हमारे घर में तभी रोटी आएगी, ना तो रोटी नहीं आती, हम तो भूखे मर रहे थे। दुनिया में अभी तक रिएक्शन इन पर दिया नहीं, हम तो भैया भीख मांग के खा रहे थे रोटी, जबकि रियलिटी ये है कि इनकी दाल रोटी रोज़ डेली हमारे घर से चलती है। हम ना हो तो इनके घर में पीपे खाली हो जाए इनके, इनको पता भी ना चले कि इनके घर में हो क्या गया, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो को एंड करती हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में, कोशिश करूँगी कि वीडियो और आए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।